लंबी लकीर का ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट पर। डेटा एनालिस्ट पर तो कई सारे वीडियो हैं, आपने भी कई बार कहा कि भैया वीडियो बना दो, पर मुझे बहुत समय लग गया। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो मैं डेटा एनालिस्ट पर देखता था, जो भी मैं रिसर्च करता था डेटा एनालिस्ट के रोड मैप पे, उनके कोर्सेज पे, सब जगह मुझे बस निराशा हाथ लगी। आप बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज जो कोर्सेज हैं, जो रोड मैप्स हैं, जो वीडियो शेयर्ड हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, वो डेटा एनालिस्ट का जो एक्चुअल जॉब है, इंटरव्यू है, जो डे इन द लाइफ है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उससे बहुत अलग है यार। ये प्रॉब्लम लग रही है। तो आज भी इससे बात करेंगे कि डेटा एनालिस्ट करता क्या है, क्या प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कैसी जॉब लगनी चाहिए, जॉब में होता क्या है। इस टॉपिक में डेप्थ में घुसने के लिए आपको बड़े इत्मीनान से बैठ जाना है और समझना है सबसे पहले कि डेटा एनालिस्ट करता क्या है। डेटा एनालिस्ट सुनने में लगता है कि अरे बहुत ही कूल सा जॉब होगा। कूल सा है, पर कोई भी जॉब कूल होता नहीं है। हर जॉब में बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा मशक्कत और बहुत सारा ऐसा काम करना पड़ता है जो बहुत ही अनकूल साउंड करता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब डेटा एनालिस्ट से बात की, हमारी कंपनी में भी है डेटा एनालिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट में भी थे, इसके पहले मैं सिस्को में काम करता था वहां भी थे, मेरी फ्रेंड है एक जो बहुत अच्छी डेटा एनालिस्ट है, एक और फ्रेंड है उससे बात की, तो मुझे समझ में आया कि जो उनका काम है वो काफी सारा अनकूल भी है। अनकूल क्या होता है? जैसे कि एक डेटा आया गंदा सा, उसको क्लीन करना। अब डेटा गंदा कैसे होता है? उस पर कालिक तो लगाते नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं होता है, उसको क्लीनिंग में बहुत सारा सर फोड़ना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, डुप्लीकेट डेटा आ जाता है। तो डेटा एनालिस्ट का एक बहुत बड़ा काम डेटा क्लीनिंग भी होता है। अब अगर आप किसी सीनियर डेटा एनालिस्ट से बात करोगे तो बोलेगा अरे डेटा एनालिस्ट में डेटा क्लीनिंग कहां करना पड़ता है। हाँ भाई, आप जब सीनियर होते तो आपको नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप अपने बचपन के दिन मत भूला जाइए। बचपन के दिनों में यानी कि जब आप फ्रेशर होते हो तो डेटा क्लीनिंग, डेटा इंपोर्ट, ये बहुत बड़ा पार्ट है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये डेटा एनालिस्ट यानी कि फ्रेशर डेटा एनालिस्ट के लिए बना रहा हूं। तो इसलिए जब मैं हायरिंग मैनेजर से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि डेटा इंपोर्ट कर पाना और इंपोर्ट करके डेटा क्लीन कर पाना एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है डेटा एनालिस्ट का। सोचो डेटा एनालिस्ट में जो एनालिस्ट है वहां तो आप घुसे ही नहीं, आप तो डेटा में ही हो। उसके बाद डेटा का और क्या काम होता है? एसक्यूएल से क्वेरी करके ला पाना, एक्सेल में डाउनलोड कर पाना, एक्सेल में डंप ले पाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि डेटा एनालिस्ट का जो पहला पार्ट है डेटा, उस पे बहुत सारा समय बिताना पड़ता है इंसान को। पर हम जब डेटा एनालिस्ट सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? एकदम क्लीन क्लीन, साफ साफ, बढ़िया चकाचक डेटा आएगा और हम उससे ऐसे ऐसे इंसाइट्स निकालेंगे कि बिजनेस चकाचौंध हो जाएगा। अब जिनको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि एनालिस्ट होता क्या है और ये भैया ने इंसाइट और बिजनेस क्या वर्ड मार डाला, उनको मैं बताता हूँ कि एनालिस्ट क्या होता है। देखिए, एक बिजनेस चल रहा है, सपोज कीजिए कि आपकी एक ऑनलाइन टी-शर्ट की दुकान है। अब ये ऑनलाइन टी-शर्ट की दुकान हर दिन बेच रही है टी-शर्ट, एक कस्टमर आता है, कार्ट में डालता है, खरीद के ले जाता है, तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। कस्टमर कहाँ का था, कस्टमर कितने बजे आया, कस्टमर ने कौन सा टी-शर्ट खरीदा, टी-शर्ट का साइज क्या था, टी-शर्ट का कलर क्या था, ये जो कस्टमर इसने पहले क्या खरीदा है, उसकी परचेस हिस्ट्री है, ये जो कस्टमर है क्या सिर्फ डिस्काउंट के टाइम शॉपिंग करता है, ये जो कस्टमर है क्या सिर्फ सैटरडे संडे शॉपिंग करता है। क्यों हमें ये एनालिसिस चाहिए? ताकि हम उस कस्टमर को रेलेवेंट टाइम पर रीच कर सके, जब हमारे पास कोई डिस्काउंट हो हम उसको रीच आउट कर सके, हम सैटरडे संडे उसको एक नज मार सके, एक नोटिफिकेशन भेज सके, एक ईमेल भेज सके, कोई प्रमोशन कल को। बहुत कुछ जानना हमें, ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह का कस्टमर क्या खरीदता है, किस सीजन में क्या बिकता है, ताकि हम उस सीजन में उस चीज को ला सके। और ये कोई बहुत नई बात नहीं है, जिसके घर में भी अगर कपड़े का दुकान है या कोई दुकान है, सीजनल शॉपिंग कैसे होती है, वो डेटा वो अपने आप सीख जाते हैं, विद टाइम वो चीजें सीख जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर जब ये डेटा इतना ज्यादा उपलब्ध है और पूरा का पूरा डिजिटल मीडियम है, डिजिटाइज्ड डेटा है, तो हर कंपनी, चाहे वो चाय बेच रही हो, चाय पॉइंट, या कपड़े बेच रही हो, हर कंपनी एक टेक कंपनी की तरह बिहेव कर सकती है। कैसे? डेटा के एनालिसिस से अपने ऑपरेशन को ऑगमेंट करके और एफिशिएंट करके। इसलिए आज के टाइम पे डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। अब देखो, डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ इतना ही तो नहीं है कि वो ये पैटर्न्स निकाले, इन पैटर्न्स को रोज देख सके कोई जो बिजनेस में सीईओ है, ऑपरेशंस मैनेजर है, कोई भी रोज का रोज को कंज्यूम कर सके, इसके लिए उसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये कह देंगे कि यार ये वाला समोसा सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो हमें रोज देखना है कि क्या वो समोसा कितना बिक रहा है, उसके सेकंड अनुपात में कितना बिक रहा है, उसके थर्ड अनुपात में 1, 2, 3 कौन है और कितना है। तो इन विजुअलाइजेशंस के लिए चार्ट यूज करना होता है, तो डेटा एनालिस्ट को चार्ट भी आना चाहिए। तो अगर आप एक डेटा एनालिस्ट के काम को समझोगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो किसी भी जॉब रोल को अगर समझना है तो ऐसे समझना चाहिए कि बिजनेस में एक जो बिजनेस एंटिटी है, एक चाय की दुकान है, एक ई कॉमर्स,
एक बेवकूफ.com है ऐसा कुछ भी है, उसमें ये बंदा बंदी क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। मतलब अगर बिजनेस किसी को 50,000 रुपए महीने दे रहा है तो बिजनेस को उससे 1,00,000 रुपए महीने कमाने आना चाहिए, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। तो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है? वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो एनालिसिस करके निकालते हैं उसमें एक्शनेबल इनसाइट्स होते हैं। बोलोगे एक्शनेबल इनसाइट्स क्या होते हैं? यही जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया कौन सा कपड़ा ऑर्डर करना है, किसको क्या प्रमोशन दिखाना है, किसको क्या प्रोडक्ट दिखाना है। और इन सब के लिए बहुत सारी चीजों के लिए मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं होती है, सिंपल डेटा एनालिसिस टूल से भी ये सब चीजें निकल जाती है। रोज रोज मेरा कितना बिक रहा है, कहाँ सेल अच्छी हो रही है, किस एरिया की सेल अच्छी है, किस प्रोडक्ट का सेल अच्छा है, ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। तो इतना सारा ऑपरेशनल डेटा जो है, ऑपरेशनल इनसाइट्स जो है, एक डेटा एनालिस्ट निकाल के दिखा सकता है और बिजनेस में ये वैल्यू ऐड कर सकता है। अगर तुम्हें इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं करियर वाले, जहां आपका मन शांत हो, तो प्लीज कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इतना तो तुम कर ही सकते हो ये बताने के लिए कि भैया आप जो कर रहे हो उससे मन को शांति मिल रही है। अब जब हम ये समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट क्या वैल्यू ऐड करता है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट ये वैल्यू कैसे ऐड कर सकता है। डेटा एनालिस्ट की वैल्यू हर बिजनेस में समझने के बाद हम ये भी जान सकते हैं कि वो क्या टूल्स यूज करता है। तो डेफिनेटली ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस तो नहीं ही करता होगा, क्योंकि ये ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस है ये तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स करते होंगे। पर आपको तो ऐसा जॉब चाहिए जो हर जगह लग जाए, जो हर छोटे ई कॉमर्स वेबसाइट वाले इंसान के पास लग जाए, जो हर एक बिजनेस के पास लग जाए। तो हर एक बिजनेस को क्या चाहिए? हम लंबी लकीर में हमेशा वही बात करते हैं जो रिपीटेबल हो और जहां भर भर के जॉब्स हो। तो कौन से वाले जॉब्स भर भर के हैं और उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये देखते हैं। देखो, जब मैं डेटा एनालिस्ट के कोर्सेज देख रहा था, मैंने ये पाया कि डेटा एनालिस्ट के कोर्सेज में बहुत ज्यादा वेटेज जो है आप आर, पाइथन और इन चीजों को देने लगते हो, या मशीन लर्निंग को देने लगते हो। और ये क्यों देने लगते हो? क्योंकि उनको कोर्स बेचना है, उनका काम कोर्स बेचना है। उनका काम ये है नहीं कि आप उस कोर्स को कंप्लीट करके जॉब ले सको, क्योंकि उनको ही पता है कि यार 500 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए के कोर्स में कुछ भी चुना लगा के बेच दो। और अगर 2,00,000 के कोर्सेज बेच रहे हैं तो कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी का नाम ले लो। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि यार वो कोर्स खराब है, एडटेक साइट जो है वो खराब है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इन चीजों के बीच में पढ़ोगे तो जो एक्चुअल डेटा एनालिस्ट बनने का काम है, जिसमें आपको अपनी डेप्थ बनानी है, जिसमें आपको अपनी लंबी लकीर बनानी है, आप वो नहीं बना पाओगे। तो लंबी लकीर बनानी किस चीज में? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले भी कहा था, वो है डेटा इंपोर्ट और डेटा क्लीनिंग। और ये पीस हर कोर्स में, हर रोड मैप में ये पीस मिस हो जाता है। उसके बाद डेटा इंपोर्ट और डेटा क्लीनिंग में जो आपने ढेर सारा समय लगा लिया, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सेल। एक्सेल एक ऐसा टूल है जो डेटा एनालिस्ट का स्विस नाइफ है, हर कोई यूज करता है। आर और पाइथन बहुत रेयरली, बहुत कम और बहुत आगे जाके यूज होता है। पहले एक्सेल। तो एक्सेल में आपको फॉर्मूला लगाना, टेबल बनाना, पिवट टेबल, लुकअप्स, ये सब आने चाहिए। अधिकतर बच्चे इसमें एनफ टाइम नहीं स्पेंड करते। क्यों नहीं स्पेंड करते? क्योंकि जब वो एक कोर्स देख रहे होते हैं तो उस कोर्स में एक्सेल भी है, एसक्यूएल भी है, आर, पाइथन, मशीन लर्निंग पे इतना सारा टाइम स्पेंड किया गया है, और एक्सेल और एसक्यूएल पे इतना। जबकि होना क्या चाहिए पता है? एक्सेल और एसक्यूएल पे इतना टाइम स्पेंड होना चाहिए और बाकी तो बस एडेंडम है यार, पीछे वाले वो तो सीख ही जाएंगे टाइम के साथ। तो एक्सेल पे ढेर सारा टाइम, उसके बाद एसक्यूएल पे। एसक्यूएल क्यों? क्योंकि जो डेटा है वो डेटाबेस में है, आपको रोज उस डेटा का डंप लेना है, उस पे एनालिसिस करना है। अगर बहुत बड़ा है तो आप सारा डेटा का डंप एक बार में नहीं ले सकते हो, नहीं तो एक्सेल बैठ जाएगा। तो आपको उसमें स्लाइसिंग डाइसिंग करके, यानी कि उसको काट के, सॉरी मैं बहुत सारे डेटा एनालिस्ट के वर्ड्स यूज कर रहा हूं क्योंकि काफी सारा रिसर्च कर लिया है, तो उसको काट के मतलब थोड़ा एक्सेल पे लगाना और जो नया डेटा आया है उसको पुराने डेटा से मिलाना, उसके बाद एनालिसिस को अपडेट करना, ये आपके दिन का मेजर काम होता है। तीसरी चीज, तीसरी टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टैबलू या पावर बीआई। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप डेटा को एनालाइज करते हो तो एनालाइज करके जब आप एक्शनेबल इनसाइट निकालते हो तो एक बार ही निकालते हो, ऐसा नहीं बोलते हो कि अरे बाबू ये आज हमने बता दिया, अब इसी रकीर पे चलते रहिए 10 दिन। नहीं, 10 दिन तो नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा ट्रेंड्स हर दिन चेंज हो रहे हैं, तो आपको उसको हर दिन देखना है और उसके हिसाब से हर दिन एक्शन लेना है। तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो आपको कोई विजुअलाइजेशन टूल भी चाहिए, और पावर बीआई और टैबलू इसमें काफी अच्छा काम करते हैं। फिर से मैं कहूंगा, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें मतलब पहला एक्सेल, दूसरा एसक्यूएल, तीसरा पावर बीआई। अगर इसमें आपका हाथ बैठ जाता है और इसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बाबू कि एक्सेल नहीं करेंगे, एक्सेल तो बहुत ही अनुकूल सा है भैया, हम एसक्यूएल करेंगे, और भैया एसक्यूएल में तो मजा नहीं आ रहा है, क्वेरिया लिखते लिखते हमारा हाथ दुख जाता है, तो भैया पावर बीआई करेंगे, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया चार्ट बनाया। नहीं, अगर एक्सेल नहीं करोगे, अगर अच्छे से नहीं करोगे तो एसक्यूएल को भी अच्छे समझ नहीं पाओगे। अगर एसक्यूएल अच्छे से नहीं समझोगे तो पावर बीआई में सुंदर सुंदर चार्ट बनाने
का, YouTube पे वीडियो देख के कुछ भी बना देने का कोई पॉइंट नहीं है। और इसीलिए मैं चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, कोई तुम्हें इसलिए पैसा नहीं दे रहा है कि तुम ये चार्ट बना सकते हो। डेटा एनालिस्ट को पैसा इसलिए दिया जाता है कि वो डेटा को समझ के, बिजनेस को समझ के, दोनों की समझ से कुछ एक्शनेबल इंसाइट निकाल पाए। इसलिए फोर्थ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप बिजनेस को भी समझो। डेटा बहुत तरह के हो सकते हैं। डेटा हो सकता है सेल्स डेटा हो सकता है एचआर डेटा हो सकता है ऑपरेशनल डेटा हो सकता है मार्केटिंग डेटा हो। हर डेटा को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझना बहुत जरूरी है, और हम कॉन्टेक्स्ट पे और बात करेंगे थोड़ी सी। पर जो फोर्थ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट के लिए, कि वो इस तरह के भिन्न भिन्न डेटा के साथ खेला हो, और सिर्फ खेला नहीं हो, उसको समझा हो, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझा हो, ताकि उस तरह का डेटा वो जब दोबारा देखे तो उसे पता हो कि उस पे क्या करना है, कैसे करना है, क्या लगाना है। ये चीज अगर ये चार चीज आपको आता है तो आप एक सुपरस्टार डेटा एनालिस्ट हो। बाकी चीजों की तो आपको जरूरत ही नहीं है। और बाकी चीजों की जरूरत नहीं है तो ये मत डर जाना कि यार भैया कह रहे हैं कि कुछ सीखना ही नहीं है, अब ऐसे ही ग्रो कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन टाइम के साथ आ जाएगा। हम लोग बार बार लंबी लकीर में क्या कहते हैं, करियर लंबा गेम है, आराम से खेलेंगे। लेकिन करियर में इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत सही करो और पहले जॉब में जल्दी जल्दी घुस जाओ, वहां पर हम करियर बनाते रहेंगे। एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि तने भैया आप तो कोडिंग बोलते हो हर समय, और कभी कभी आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बहुत बोलते हो, आज आप बोल रहे हो डेटा एनालिस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था कि चार ऐसे कौन से करियर हैं जिसमें आप करियर की लंबी लकीर बना सकते हो, जिसमें डिग्री विग्री इतना मैटर नहीं करता है, और जिसमें अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, अच्छा खासा ग्रोथ भी है। उन चार में डेटा एनालिस्ट तीसरे नंबर पे था, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो कि भैया डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, थोड़ा हमें भी समझा दो। समझा देते हैं बाबू। देखो हुआ क्या है, पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ है ये समझते हैं। बहुत सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मूव कर गया है, ठीक है। कैसे, अपने आसपास देखो यार, हर जगह दिखेगा, डेटा ही डेटा है। टिकट बुक करते हो बुक माई शो से, यूपीआई से इतना सारा पेमेंट करते हो, बैंकिंग सारी मूव कर गई है ऑनलाइन। तुम लोग से ज्यादा कौन मंगाता है, तो सारे एड भी तुम ऑनलाइन देखते हो। इसका मतलब तुम्हारा सारा कंजम्पशन भी ऑनलाइन है, वीडियो कंजम्पशन भी ऑनलाइन है, तुम्हारे दोस्त ऑनलाइन है, तुम्हारी वो भी ऑनलाइन है, सब लोग ऑनलाइन है आजकल, सबका ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। तो सारा का सारा टाइम स्पेंड आपका ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन जब आप टाइम स्पेंड करते हो, एक्शन करते हो, तो उतना सारा डेटा जनरेट होता है, और उतने सारे डेटा में बहुत सारा इनसाइट आता है। क्योंकि आपको लगता है कि यार हम अकेले शाहरुख खान है, हमारे जैसा कोई नहीं, बट सच्चाई ये कि एक क्लस्टर में आपके जैसे बहुत लोग हैं। तो अगर आपके जैसे कुछ लोग ए सामान के साथ बी खरीद रहे हैं, तो आपको भी बी दिखाया जा सकता है। तो पैटर्न्स निकल के आते हैं, एक्शनेबल पैटर्न्स निकल के आते हैं। और इसीलिए डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन लोग एआई बेच रहे हैं, वो अलग बात है, उस पे कभी और बात करेंगे हम लोग आराम से कि एआई ने आपको कितना बनाया है। पर डेटा एनालिस्ट की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जितने छोटे से लेके बड़ा से बड़ा बिजनेस आज के टाइम ऑनलाइन मूव कर रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ऑनलाइन ऑपरेशंस रन कर रहा है ना, रिमोट जॉब है, या फिर आप ऑनलाइन चीजें बना रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो बहुत सारा डेटा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियरल सारा डेटा आपके पास है। तो किसी को तो बैठ के उस डेटा को काट के छाट के उसमें से कुछ काम का कोई हीरा निकालना पड़ेगा। कोयले की खदान है, बहुत नीचे जाने पे कहीं एक हीरा मिलेगा। वो हीरा जो लेकर आता है वो बिजनेस बहुत विन करने लगता है। तो डेटा एनालिस्ट बहुत अच्छा बेट हो गया आज के टाइम पे। इसलिए हर बिजनेस, इतना छोटी सी मेरी कंपनी है, इनवैक्ट हमारे पास भी है, तो हर बिजनेस डेटा एनालिस्ट रखता है और डेटा के ऊपर सोचता है और उसके ऊपर इटरेट करता है। इटरेट करने का क्या मतलब होगा आप पूछोगे। मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास बड़े सारे मॉड्यूल्स हैं, 50 मॉड्यूल बनाने हैं बच्चे को अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो इनवैक्ट में। तो एक इनसाइट आया कि यार जो बच्चा M5 यानी कि पांचवा मॉड्यूल कर लेता है वो बच्चा बहुत दूर तक चला जाता है, और वहां से उसके ड्रॉप रेट्स कम हो जाती है। हम भी ये डेटा देखते हैं। पर हमें एक दिन पता चला कि M9 जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल पर बहुत बच्चा एकदम से गिर जा रहा है, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है। बच्चा जितना पढ़ता है उतना असाइनमेंट सबमिट करता है, तो हमारे पास एक एक स्टेप का डेटा है। तो बच्चा गिर गया M9 पे, तो हमने M9 खोल के देखा, भाई ये क्वेश्चन जो है हमने थोड़ा टफ बना दिया, ये क्लास जो है हमने थोड़ी टफ बना दी, इसको फिर से बनाते हैं। फिर से बनाया, फिर से उसको डाला, अब देख रहे हैं कि नया बच्चा उतना गिर रहा है, पहले इतना नहीं गिर रहा है, क्या हो रहा है। तो ये है, इसको कहते हैं डेटा पेट्रेशन। सोचो अगर मैं वो डेटा नहीं देखता, वो डेटा का इनसाइट नहीं आता, तो बच्चे वहां गिरते रहते। एक बच्चे को लाने में अगर 100 रुपया लगता है और 10 बच्चा वहां गिर जाए, तो हमें हर दिन 1000 रुपए का लॉस है। और ये एग्जांपल दे रहे हैं। तो कस्टमर जहां गिर जाता है, कस्टमर अगर कार्ट में कुछ ऐड करके नहीं खरीदता है बिकॉज ऑफ रीजन ABC, तो वहां पे बिजनेस को लॉस हो जाता है, और डेटा एनालिस्ट इस लॉस को पकड़ के बिजनेस को समझा सकता है। तो
अभी अभी हमारे एडिटर साहब ने कहा है कि भैया जो टाइम जो है आपने बहुत बोल लिया है, 20 मिनट से बोले जा रहे हो, आपका तो लगता है कंटेंट आज खत्म नहीं होगा। सच्चाई है, कंटेंट इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि पिछले बहुत दिनों से तुम लोगों ने इतनी बार कमेंट डाला है डेटा एनालिस्ट का वीडियो कब लाइएगा भैया, कब लाइएगा भैया, कब लाइएगा भैया, और हमारे दिन में बहुत कसर उठती थी कि हम ला नहीं पा रहे। लेकिन ला इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि हम उतना पढ़ नहीं पा रहे थे, उतने लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, और जो ऑनलाइन दिख रहा था वो मजेदार नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि यार ये वही है जैसे लोग बोलते हैं कि डीएसए करके जॉब मिल जाएगी, ये वही वाला कंटेंट है, तो इसमें मजा नहीं आएगा, कुछ अपना लाना है। अब कंटेंट हमारे पास बहुत है कि डेटा एनालिस्ट का एक दिन कैसा दिखता है, वो पूरे दिन क्या क्या करता है। हमारे पास ये भी कंटेंट है कि डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट्स किस तरह के होने चाहिए और एचआर उन प्रोजेक्ट्स में क्या देखना चाहता है। हमारे पास कंटेंट ये भी है कि डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है वो एआई से कैसे अफेक्ट होगी। लेकिन हमारे एडिटर कह रहे हैं कि ये भी अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लोग इतने लंबा वीडियो देखते देखते बोर हो जाएंगे, तो आप अगला वीडियो में ये सब डाल दीजिएगा। तो ऐसा है कि देखिए हम कहने को तो अपने कंपनी के सीईओ हैं, बॉस हैं, पर ऐसा है नहीं, जो हमें लोग कहते हैं, माए बाप जो कहते हैं, एडिटर साहब जो कह रहे हैं, हमें वही सुनना पड़ता है। तो अगर आपको ये तीनों वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर भी करना होगा लोगों से, शेयर वाला नहीं, शेयर वाला शेयर, और एक कमेंट करना होगा कि भैया बाकी तीन वीडियो का कॉन्टेंट भी लाइए, लंबी लकीर में देखेंगे। तो बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, थैंक यू मुझे इतना पुश करने के लिए इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने इतना समझा है डेटा एनालिस्ट फील्ड को पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम और सारी वीडियोस लेके आएंगे, अगर आप और सारा कमेंट कर दे प्यारा प्यारा हमारे लिए, कुछ भी लिख दीजिएगा, भैया मजा आया, लव फ्रॉम पाकिस्तान भी लिखते हैं आप लोग तो बड़ा अच्छा लगता है, लव फ्रॉम इंडिया भी लिखा करो यार, उसमें क्या दिक्कत है। तो कमेंट से भर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, डेटा एनालिस्ट पे तो भी बहुत काम हुआ है और बहुत वीडियो आएगा, टेंशन नहीं है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।